हेलो फ्रेंड्स, मैं पापिया आलम सब लोगों को वेलकम करती हूँ मेरी चैनल पापिया कुकिंग रेसिपी में। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी डिश कॉल्ड पोहा। इसे चीरेर पोलाव भी बोलते हैं और इसे हम ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स किसी भी टाइम खा सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं आज का डिश। अगर आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरा रेसिपी को शेयर एंड लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए बना लेते हैं आज का रेसिपी। पोहा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप पोहा, जिसे हम पानी से धो के उसका पानी निकालने के लिए मैंने एक स्ट्रेनर में उसे रख दिया। हमने यहाँ पे सम वेजिटेबल्स लिया है, ये आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने लिया कैरेट 1/2 कप, ग्रीन बीन्स 1/4 कप, 1 ग्रीन चिली, सम नट्स, सम कैसिव, सम रेजिन, सम कारी लीव्स, 1/2 लाइम, सम कोरिएंडर लीव्स, 1/2 पोटैटो, इसे हम पहले से फ्राई करके रख दिया, 1 मीडियम साइज ऑनियन, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, क्यूमिन 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। शुगर आप अपने चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट, और गार्निशिंग के लिए हमें थोड़ा सा सेव चाहिए। पैन गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, नट्स फ्राई कर लेते हैं। नट्स फ्राई हो चुका है, अभी हम इसे अलग करके रख देते हैं। अभी हम कैसेव फ्राई कर लेते हैं। कैसेव का कलर चेंज हो गया, अभी हम इसे अलग करके रख देते हैं। अभी हम रेजिन को भी फ्राई कर लेते हैं, उनका भी कलर चेंज हो गया, अभी इसे भी हम अलग करके रख देते हैं। अभी हम इसमें मस्टर्ड सीड डाल देते हैं और क्यूमिन सीड को भी डाल देते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम करी लीव्स डाल देते हैं, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। इसका बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, अभी हम इसमें ऑनियन डाल देते हैं। ऑनियन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। ऑनियन का कलर चेंज हो गया, कैरेट्स मिला देते हैं। कैरेट्स का भी थोड़ी टाइम के लिए फ्राई कर लेते हैं। ग्रीन बीन्स डाल देते हैं, कभी थोड़ी टाइम के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुका है, अभी फ्राइड पोटैटो मिक्स कर देते हैं। इस ग्रीन चिली डाल देते हैं, इस टाइम हम थोड़ा सा सॉल्ट भी यूज करते हैं। टर्मेरिक पाउडर डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अभी हम पोहा इसके साथ मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं, कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देते हैं, नट्स ऐड कर देते हैं, में थोड़ा
थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। लाइम जूस ऐड कर देते हैं। मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट कवर करके कुक कर लेते हैं। 1 मिनट हो गया, हमारा पोहा सर्व करने के लिए रेडी हो गया। हमारा ये यम्मी एंड टेस्टी गर्मा गर्म पोहा रेडी है।